तो गाइस इस वीडियो में आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे मीवी की तरफ से आने वाले इन वायरलेस एयरफोन की, जिनका नाम है मीवी थंडर बीट्स वायरलेस एयरफोन। तो गाइस ये जो एयरफोन है वो ब्लूटूथ 5.0 के सपोर्ट के साथ आते हैं, जिसमें आपको जो साउंड क्वालिटी मिलेगी वो भी काफी अच्छी देखने के लिए मिलेगी, और जो आपको कनेक्टिविटी मिलेगी वो भी काफी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। तो गाइस वैसे तो इसकी जो प्राइस है वो 2449 है जो इसके बॉक्स पर लिखी हुई है, बट अमेजोन पर इसकी जो प्राइस है वो 1299 रुपीज है या 1399 रुपीज में आपको देखने के लिए मिल जाती है। जो प्राइस है वो कम या ज्यादा होती रहती है अमेजोन पर, बट अगर आप अमेजोन के ग्रेट इंडियन सेल में खरीदोगे तो आपको 999 रुपीज में भी ये एयरफोन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको एक कूपन कोड भी दूंगा, कूपन कोड की अधिक जानकारी के लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो इस बॉक्स आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलता है, ऊपर वाली साइड आपको मीवी की ब्रांडिंग देखने के लिए मिलती है, और सेंटर में आपको एयरफोन्स की लुक देखने के लिए मिलती है कि आपको एयरफोन्स की लुक कैसी देखने के लिए मिलती है। वाली साइड आपको एयरफोन्स का नाम देखने के लिए मिल जाता है, जिसका जो नाम है थंडर बीट्स वायरलेस एयरफोन है। तो बस बॉक्स के पीछे वाली साइड आपको इसके कुछ फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहला फीचर है कि इसमें आपको HD स्टीरियो साउंड का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। जो साउंड क्वालिटी होगी इन ईयरफोन्स की वो काफी अच्छी देखने के लिए मिलेगी, आपको HD स्टीरियो साउंड का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। सुपर सॉलिड बेस का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जो आपको सॉन्ग्स में बेस देखने के लिए मिलेगी वो भी काफी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। और आपको जो बैटरी देखने के लिए मिलती है वो लॉन्ग बैटरी देखने के लिए मिलती है, 7 आवर्स तक आपको प्लेबैक टाइम देखने के लिए मिलता है। अगर आप 70% वॉल्यूम पर इन ईयरफोन्स को यूज करते हो तो आपको 7 आवर्स तक बैटरी बैकअप देखने के लिए मिलेगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर IPX4 का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, इसका मतलब यह है कि अगर आप जिम में इन ईयरफोन्स को यूज करते हो तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज करते हुए आपको पसीना भी आ जाता है तो इन ईयरफोन्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आपको एर्गोगोनोमिक डिजाइन देखने के लिए मिलता है, आपको डिजाइन मिलता है इन ईयरफोन्स का वो काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है, और ये आसानी से आपके कानों में फिट हो जाते हैं। सो जो एयरफोन्स है उसमें आपको मैग्नेट का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, आपके जो दोनों एयरफोन्स होंगे वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आप यूज में नहीं करते हो तो आप उसे आसानी से मैग्नेट की मदद से लॉक कर सकते हो। उसके बाद आपको नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, आपको नॉइस कैंसिलेशन क्वालकॉम CBC का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जिसकी हेल्प से जो आपको साउंड क्वालिटी होगी वो काफी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। और अगर आप किसी से बात भी कर रहे हो और जो आपको बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज देखने के लिए मिलती है तो उसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो ये एयरफोन्स है वो अपने आप ही रिड्यूस कर देगा आपकी जो नॉइज होगी बैकग्राउंड में, जिसकी मदद से आप आसानी से किसी से भी बात कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर वायरलेस ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जिसकी मदद से आप 30 फीट तक सीमलेस कनेक्टिविटी कर सकते हो, आपको काफी अच्छी कनेक्टिविटी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है इन ईयरफोन्स में। अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक वारंटी कार्ड देखने के लिए मिलता है, जिसकी हेल्प से आप इसकी वारंटी क्लेम कर सकते हो, आपको 1 ईयर की वारंटी देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर इन्हें प्रोसीजर बताया गया है कि आप वारंटी कैसे क्लेम कर सकते हो, आपको इनवॉइस की फोटो क्लिक करनी है और इनके कोई व्हाट्सएप नंबर पर भेज देनी है, उसके बाद जो आपकी वारंटी होगी वो रजिस्टर हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि बॉक्स में क्या मिलता है। उसके बाद हमें थंडर बीट्स एयरफोन देखने के लिए मिलते हैं। तो मुझे जो इसकी पैकेजिंग है वो काफ़ी अच्छी लगी, आप देख सकते हो कि पैकेजिंग आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है, और जो आपको कवर देखने के लिए मिलता है पैकिंग का वो भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो इसको हम साइड में रख देते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आपको एयर टिप्स देखने के लिए मिलती है स्माल एंड लार्ज साइज़ वाले, और इसमें आपको एक माइक्रो USB केबल भी देखने के लिए मिलती है, जिसकी मदद से आप अपने एयरफोन्स को चार्ज कर सकते हो, इसको भी साइड में रख देते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पर एक क्विक स्टार्ट गाइड देखने के लिए मिलता है, जिसकी हेल्प से आप देख सकते हैं कि आपको एयरफोन्स कैसे कनेक्ट करने हैं और किस तरह आपके जो इसके बटन है वो कैसे यूज़ में लोगे। तो आपको काफ़ी तरह के फंक्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं जो इसमें बटन दिए गए हैं। यहाँ पर इन्होंने और भी प्रोडक्ट बताया है कि इनके कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, तो आप इसे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। तो बस एयरफोन आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपको दोनों वाली साइड मीवी की ब्रांडिंग देखने के लिए मिलती है, जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। तो बस ओवरऑल देखा जाए तो लुकिंग वाइज आपको एयरफोन्स काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। तो बस यहाँ पर आपको एक एडजस्टेबल हुक भी देखने के लिए मिलता है, जिसकी हेल्प से आप इसकी जो वायर की लेंथ है वो एडजस्ट कर सकते हो, आप आसानी से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो बस जो वायर लेंथ है वो भी काफी अच्छी खासी आपको देखने के लिए मिल जाती है, देख सकते हो कि कितनी ज्यादा लंबी लेंथ आपको देखने के लिए मिलती है। तो गाइस यहाँ पर आपको 3 बटन भी देखने के लिए मिलती है एयरफोन्स में, जिनकी हेल्प से आप वॉल्यूम को कम या ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पर आपको सेंटर में एक पावर बटन भी देखने के लिए मिलता है, की हेल्प से आप इन एयरफोन्स को ऑन भी कर सकते हो। और ऊपर वाली साइड आपको यहाँ पर माइक्रो USB पोर्ट देखने के लिए मिलता है, जिसकी हेल्प से इन एयरफोन्स को आप चार्ज कर सकते हो। तो गाइस देखने में आपको ये बटन काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, और आपको जो लुकिंग है वो भी काफी अच्छी देखने के लिए मिलती है। ऊपर वाली साइड आपको यहाँ पर मीवी की ब्रांडिंग देखने के लिए मिलती है। तो बस ये तो थी इन ईयरफोन्स की अनबॉक्सिंग, तो अब हम इसके रिव्यू की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर ले साउंड के बारे में, तो साउंड क्वालिटी आपको काफी अच्छी देखने के लिए मिलती है इन ईयरफोन्स में, आपको HD स्टीरियो साउंड का फीचर मिलता है, जिसकी मदद से आपको जो साउंड आउटपुट है वो काफी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको सुपर सॉलिड बेस का फीचर भी मिलता है, जिससे आपका जो ऑडियो एक्सपीरियंस होगा वो काफी अच्छा देखने के लिए मिलेगा इन ईयरफोन्स में। तो ओवरऑल आपको जो साउंड क्वालिटी मिलती है वो काफी अच्छी देखने के लिए मिलती है इन ईयरफोन्स में। इन मीवी के एयरफोन्स की एक बात मुझे काफी अच्छी लगी है, एक्सरसाइज करते वक्त ये आपके कानों में से नहीं निकलेंगे, या चाहे आप करें जंपिंग जैक्स या
करें पुशअप्स तो आपके ये कानों में से नहीं निकलेंगे, तो आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट देखने के लिए मिलता है। तो गाइस मेरे ख्याल से आपको ये एयरफोन काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं कंफर्ट के लिए। बस बात करें बैटरी की, तो बैटरी बैकअप आपको इन एयरफोन्स में काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। वैसे तो कंपनी ने 7 आवर्स तक इसका प्लेबैक टाइम क्लेम किया है अगर आप 70% वॉल्यूम तक यूज़ करते हो। अगर आप फुल वॉल्यूम पर यूज़ कर रहे हो तो आपको 5 आवर्स तक का इसका बैकअप देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस मेरे केस में मैंने फुल वॉल्यूम पर इसे यूज़ किया, मुझे 6 आवर तक इसका बैटरी बैकअप देखने के लिए मिल गया था। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप देखने के लिए मिलता है और जो आपको साउंड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है। तो गाइस जब इन ईयरफोन्स की बैटरी लो हो जाती है तो आपको येलो कलर की लाइट देखने के लिए मिलती है, और जब इन ईयरफोन्स की बैटरी फुल हो जाती है तब आपको ब्लू कलर की लाइट देखने के लिए मिलती है। तो गाइस उसके बाद हम बात करें माइक की, तो इन ईयरफोन्स में आपको जो माइक का सपोर्ट मिलता है वो काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है, और ये जो ईयरफोन है वो नॉइस कैंसिलेशन के सपोर्ट के साथ आते हैं जो आपको क्वालकॉम ने प्रोवाइड किया है। तो गाइस अगर आप किसी यूजर से बात कर रहे हो तो आपको जो बैकग्राउंड में नॉइज़ है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इन ईयरफोन्स में आपको नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है जिससे आपकी जो नॉइज़ है बैकग्राउंड में वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, और आपको काफी अच्छी माइक की क्वालिटी देखने के लिए मिलती है इन ईयरफोन्स में। तो गाइस ओवरऑल देखा जाए तो इन ईयरफोन्स में आपको काफी अच्छी क्वालिटी देखने के लिए मिलती है, इसका जो साउंड आउटपुट है वो भी काफी अच्छा है, और जो आपको बेस है वो भी काफी अच्छी देखने के लिए मिलती है, और इसमें आपको जो कम्फर्ट है वो भी काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो गाइस जब मैंने ईयरफोन्स को टेस्ट किया था तो मुझे इसकी जो साउंड क्वालिटी थी वो काफी अच्छी लगी थी, और इसका जो बैटरी बैकअप है वो भी मुझे ठीक लगा था। तो गाइस ओवरऑल देखा जाए तो इन ईयरफोन्स में आपको काफी अच्छी साउंड क्वालिटी मिलती है और आपको माइक भी काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो गाइस यहाँ पर इन्होंने जो नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट दिया है वो मेरे ख्याल से काफी अच्छा है। तो गाइस मैंने कई ईयरफोन्स यूज किए हैं जिसमें आपको नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट मिलता है, और यहाँ पर जो नॉइस कैंसिलेशन का फीचर है वो काफी अच्छा इस ईयरफोन्स में आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस मेरे ख्याल से जो ईयरफोन्स है वो काफी अच्छे हैं, और अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करें आप सीधा ही इनकी वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, और वहां पर आप मीवी के थंडर बीट्स वायरलेस ईयरफोन को परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको एक कूपन कोड भी मिलेगा, उस कूपन कोड को आप अप्लाई करो, आपको कम कीमत में एयरफोन्स देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आप एयरफोन्स को कम कीमत में भी परचेज कर सकते हो उस कूपन कोड का यूज कर। तो गाइस आई होप कि आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ रखकर बेल को भी दबा दीजिए ताकि आप आने वाले अपडेट्स को मिस ना करें। थैंक यू।